तरफ जहां इन दिनों बिहार में बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार भी पूरे तरीके से मुसीबतों में घिरा हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ जहां लालू यादव अपनी तबीयत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लापता है। बड़ी बात यह है कि हर कोई ये कह रहा है कि बिहार इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है और तेजस्वी यादव लोगों की मदद करने के बजाय हरियाणा में अपने बहनोई के प्रमोशन में व्यस्त। लेकिन आपको बता दें कि इस बात की दूसरी वजह भी बताई जा रही है। या खबरों की माने तो हाल ही में तेजस्वी की तरफ से ये बयान आया है कि वो अपने घर फिलहाल नहीं आना चाहते और उसकी वजह है उनके बड़े भाई तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच विवाद। बता दें आपको कि बीते दिनों ऐश्वर्या राय और उनकी सास राबड़ी देवी के बीच लंबा विवाद देखने को मिला था। ऐश्वर्या ने पति तेज प्रताप, राबड़ी और मीसा भारती पर आरोप लगाया था कि ये तीनों उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें सही तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ऐश्वर्या के इस खुलासे के बाद महिला आयोग इस मामले में सामने आया और उनके दबाव में यहाँ पर राबड़ी आवाज़ को में दोबारा ऐश्वर्या को एंट्री मिली। लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि तेजस्वी के बिहार न आने और घर न आने का एक अलग रीज़न है। खबरों की माने तो तेजस्वी यादव घरेलू विवाद की वजह से घर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो अपने घर लौट सकते हैं क्योंकि 21 तारीख को बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में तेजस्वी का बिहार से गायब होना आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। शायद यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव भी इस बात को समझकर बिहार वापस लौटेंगे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।